आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों भैया हम बात करेंगे कैसे बैक्टीरिया जो है वो आर्ट बना रहे, आर्टिस्ट हो गए। आपने कार्टून्स में देखा होगा छोटे बैक्टीरिया ऐसे टोपी ओपी पहन के जी वैसे करके आर्ट बनाते हैं, लेकिन भैया यहां तो बैक्टीरिया जो है वो मस्त आर्टिस्ट हो गए हैं। बैक्टीरिया बड़े टैलेंटेड हो गए यार, सुपर टैलेंटेड। कुछ दिन बाद यूपीएससी का भी एग्जाम निकालेंगे ये बैक्टीरिया। साइंटिस्ट यहां पे वैज्ञानिक जो है वो ग्रिम ईटिंग बैक्टीरिया को यूज कर रहे हैं ताकि क्लासिकल आर्ट को रिस्टोर किया जा सके। मतलब एक तरीके से बैक्टीरियो का काम जो है वो यूज हो रहा है। भाई देखो बैक्टीरिया और वायरस में फर्क होता है। वायरस बहुत खतरनाक होते हैं, वो बेकार होते हैं, घटिया होते हैं, वो विलन्स होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, है ना। जैसे आपको दूध में दही में बहुत सारे लाखों लाखों बैक्टीरियाज मिलेंगे जो आर यूजफुल, दैट आर यूजफुल, है ना। तो ये समझिए आप, और ये भी समझिए कि एक दो तीन साल के लिए हमारे यूपीएससी के कोर्स आते हैं। एनसीईआरटी, हमने शानदार एनसीईआरटी का कोर्स दिया है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, चारों ही कंबाइंड एनसीईआरटी हमने कंप्लीट कर दिए। तो आप उसको सेपरेटली ले सकते हैं, यूपीएससी ले रहे हैं तो इसमें इंक्लूडेड है। और 1000+ घंटे का कंटेंट है, मेरी पर्सनल गाइडेंस है। एक खुशखबरी, हमने अब वेब एक्सेस दे दिया है, हमने अब वेब एक्सेस दे दिया है, आप समझ रहे हो। तो अब आप लैपटॉप और अपने डेस्कटॉप पे भी कोर्सेज को देख सकते हैं। इन नंबर्स पे कॉल करिए, नहीं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो भाई ये देखो, वंस इन अ सेंचुरी वायरस आइदर शट डाउन और रिस्ट्रिक्टेड द ओपन आर्स ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट म्यूजियम। आर्ट रिस्टोरर्स इन इटली वर्क्ड टू गेट रेड टू रेड अ प्राइसलेस माइकल एंजेलो ऑफ द सेंचुरीज ऑफ एक्यूमुलेटेड डर्ट एंड ग्रिम They let loose the bacteria। भाई ये बैक्टीरिया जो है ना 100 साल में एक बार, कई बार क्या होता है कि ये बैक्टीरिया म्यूजियम को बंद कर देते हैं इन पेंटिंग्स पे आके। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इटली के जो आर्ट वहां पे जो लोग करते हैं, उन्होंने कहा कि जो कर रहा है करो, बैक्टीरिया को खुला छोड़ दिया, हम बंद नहीं करेंगे। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने इस बैक्टीरिया को यूज किया है ताकि क्लासिकल आर्ट को रिस्टोर किया जा सके। और क्या ये ताजमहल क्योंकि काला हो रहा है, आप देखिए ना ताजमहल पे हल्का कालापन आने लगा है, अब क्या ताजमहल पॉल्यूशन भी उसमें बहुत बड़ा रीजन है को भी, मतलब इन बैक्टीरिया को हम ताजमहल को क्लीन करने के लिए भी लगा सकते हैं। खबर यह है दोस्तों कि आर्ट वर्क को, पेंटिंग्स को बैक्टीरिया के थ्रू क्लीन किया जा रहा है, समझ रहे हो। तो जो आर्ट रिस्टोरर्स हैं उन्होंने केमिकल एजेंट्स को यहां पे एम्प्लॉय किया और लेजर टेक्निक को एम्प्लॉय किया ताकि इन डर्ट्स को, गंदगी को खत्म किया जा सके। ये क्लासिकल आर्ट्स है ना, 100 साल पुरानी, 200, 500, 600, 800 साल पुरानी, भाई 700 साल पुरानी तो मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी, फिर पिकासो की पेंटिंग, माइकल एंजेलो की पेंटिंग, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बड़ी धरोहर है ये पेंटिंग्स, करोड़ों अरबों रुपए की कीमत है। तो वक्त के साथ साथ ये गंदी होती है, तो आप इनको साफ कैसे किया जाता है? हाथ से ऐसे नहीं किया जाता, पेंटिंग खराब हो जाएगी। लेजर टेक्निक से साफ किया जाता है, केमिकल एजेंट्स डाले जाते हैं, ठीक है, ताकि डर्ट, ऑयल, ग्लू या जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसको हटाया जा सके। कहां पे? मॉन्यूमेंट्स पे भी होता है, जैसे कुछ ऐसे स्कल्पचर्स होते हैं ना, है ना, वो मूर्ति जो मैंने आपको शुरू में दिखाई, स्टोन वर्क जो पत्थर का काम होता है, पेंटिंग्स, इन सबको हटाने के लिए लेजर टेक्निक या फिर केमिकल एजेंट्स डाले जाते हैं। 1980s से रिसर्चर्स ने पहली बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को यूज किया, ये नाम है देख लीजिए बड़ा खतरनाक है ना, टू क्लीन अ मार्बल मॉन्यूमेंट एट द केव हिल सेमेट्री इन लुइसविल। अब ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक मैग्नम ओपस मूवमेंट था कि भाई आपने एक बैक्टीरिया को यूज किया, एक बैक्टीरिया को डाला ताकि आप मार्बल को साफ कर सके। और आपको पता है ताजमहल व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन प्रोटेक्टिंग द आर्टिस्टिक हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो तब से यह पता चला कि भाई जो हमने बनाया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जो बैक्टीरिया और बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं ये थ्रेट टू आर्ट, भाई बैक्टीरिया सब खत्म करते हैं ऐसा बोला जाता ना। अगर अब जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे बैक्टीरिया लग गया तो वो खत्म, खाना सड़ता ही बैक्टीरियाज और बाकी चीजों की वजह से है, बाकी एजेंट्स की वजह से है। लेकिन सारे बैक्टीरियाज हार्मफुल नहीं होते, कुछ बड़े आर्टिस्टिक, बड़े टैलेंटेड होते हैं, ये समझिए उन लोगों की तरह। जनरल पब्लिक की मेंटालिटी वैसे ही है, खत्म करो, लेकिन
1000 में से एक टैलेंटेड निकल जाता है. तो गुड बैक्टीरिया दे आर हाईली टैलेंटेड. वो ऐसे टोपी पहनते हैं, ऐसे ब्रश लेते हैं और वो साफ करना शुरू करते हैं, है ना, सफाई वाला स्वच्छ पेंटिंग अभियान. तो दे सेट लूज ऑन द आर्टवर्क. उनको आर्टवर्क पे छोड़ दिया जाता है कि लो भैया डाल दिया हमने बैक्टीरिया, ताकि क्लीन और जो ओरिजिनल ग्लोरी है उनको रिस्टोर किया जा सके, कल्चरल हेरिटेज को रिस्टोर किया जा सके. अगर गंदगी हुई है कल्चरल हेरिटेज की, तो इन बैक्टीरिया से उनको क्लीन किया जा सके. दीज बैक्टीरिया आर नॉट मॉडिफाइड और जेनेटिकली इंजीनियर्ड. ये बहुत बड़ी बात है. इनके जेनेटिक्स में कोई भी चेंज नहीं किया जाता, चेंज नहीं किया जाता इनके डीएनए आरएनए में, कोई भी चेंज नहीं किया जाता. अक्सर ऐसा होता है कि ये तो खतरनाक होते तो आप इसके जीन्स में चेंज करेंगे ताकि ये बैक्टीरिया वो काम करे जो आप चाहते हो, लेकिन ये नेचुरल है, इनको एज इट इज डाल दिया जाता है. दे आर जस्ट कॉमन वंस फ्रॉम द नेचुरल एनवायरनमेंट दैट लव टू ईट वेरियस प्रोटीन्स. तो अब आपको पता ही है कि गंदगी क्या है. गंदगी भी तो पार्टिकल्स ही होती है ना. पार्टिकल्स है, स्ट्रक्चर्स मतलब चेन्स है, प्रोटीन्स है, थोड़ा हाइड्रोकार्बन है. तो अब क्या करेंगे, ये इन्हीं चेंज को खा जाएंगे. कुछ बैक्टीरिया जो है उन प्रोटीन्स को खाना पसंद करते हैं. तो बस एक बार सब खत्म, एक बार सब क्लियर, तो कल्चरल हेरिटेज रिस्टोर्ड. अब आप ये देखिए, पास्ट डेकेड डॉक्टर पिलर बॉश रॉइक, जो कि स्पेशलाइज्ड है, एक स्पेशलिस्ट है बायो क्लीनिंग और बायो डिटोरिएशन ऑफ आर्टवर्क्स इन स्पेन. उन्होंने पी सिडजेरी, ये भी एक बैक्टीरिया होता है, इस पे ट्रस्ट किया बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स को क्लीन करने के लिए, स्टोन्स को क्लीन करने के लिए, ब्रिज को क्लीन करने के लिए, और ग्रेनाइट स्लैब जो चैपल्स होती है ना, जो चर्च में चैपल्स, उनको क्लीन करने के लिए. ठीक है, ग्रेनाइट स्लैब्स ऑफ द चैपल्स इन स्पेन. अ टीम लेड बाय एनवायरमेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट गियानकल रेनेली फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मोलिस इन कैंपोबोसा इटली रिसेंटली यूज्ड पी सिडजेरी टू क्लीन द 14th सेंचुरी ट्रायंफ ऑफ द डेथ फ्रेस्को एट द कैंपो सेंटो. फ्रेस्को पेंटिंग होती है ना, तो आप समझिए कि जो कैंपो सेंटो की पेंटिंग थी, एक इटली के साइंटिस्ट ने यही इसी बैक्टीरिया को, पी सिडजेरी बैक्टीरिया को यूज किया ताकि इस पेंटिंग को क्लीन किया जा सके. बहुत बढ़िया. अब क्या इस मेथड को हम ताजमहल के लिए भी यूज कर सकते हैं? ताजमहल आप देख सकते हो ना, जितना सफेद था, सफेदी की चमकार अब ताजमहल में नहीं रही. तो अब कुछ लोग कुछ मीम्स से आए थे कि भाई ताजमहल को टाइड में डाल दो टाइड. तो यहां पे आप समझो कि जो ताजमहल है वो भी काला हो रहा है पोल्यूशन की वजह से, और भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं. तो भाई क्या इसको हम बैक्टीरिया डाल के सही कर सकते हैं जैसे हम कर रहे हैं? ये देखो कितना साफ हो गया, ये इतना अच्छा था नहीं, ये देख सकते हैं आप. ठीक है, इन सबको बैक्टीरिया से ही क्लीन किया जा रहा है, लेकिन ये तो ताजमहल के अंदर का हिसाब किताब है. देख सकते हो ना कि कालापन आपको साफ दिख रहा है, इतना साफ नहीं, वही मैं कह रहा हूं सफेद नहीं है. तो अब सबसे पहले तो हमको ताजमहल के मार्बल को स्टडी करना पड़ेगा. 1980s में ये काम हुआ. आप ताजमहल के मार्बल को स्टडी करिए. अगर इफ इट इज डस्ट एंड पार्टिकुलेट कार्बन कॉजिंग डार्क कलर ऑफ दिस, और इफ देयर इज अ बायोफिल्म फॉर्मेशन. देखो कालापन कार्बन से आता है, और आपको पता ही है कि अगर ज्यादा कार्बन होगी हमारे एनवायरनमेंट में, मतलब पोल्यूशन होगा, तो प्रॉब्लम होगी. यूपी में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, आगरा में तो यमुना ही मर गई है, तो आप ताजमहल की क्या ही बात करोगे. तो ताजमहल की बात करें तो भाई कार्बन है उसमें या डस्ट है उसमें, पहले तो यह देखना पड़ेगा. या बायोफिल्म फॉर्मेशन है. बायोफिल्म फॉर्मेशन क्या होती है? बायोफिल्म फॉर्मेशन जब बैक्टीरिया सरफेस पे आ जाते हैं, क्या उसकी वजह से है? रिसर्च पेपर 2014 में पब्लिश हुआ था, उन्होंने बताया था कि भाई कैल्सिफाइंग बैक्टीरिया कुड बी यूज्ड टू रिमीडिएशन ऑफ स्टोन्स एंड कल्चरल हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स इंक्लूडिंग ताजमहल. कैल्सिफाइंग बैक्टीरिया, इनको हम यूज कर सकते हैं, कैल्सियम सफेद होता है, इनको हम यूज कर सकते हैं ताकि हम जो स्टोन्स यूज हुए हैं ताजमहल में, जो मार्बल्स है, उनको क्लीन करने के लिए, इंक्लूडिंग मतलब जो कल्चरल हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स और ताजमहल, उनके लिए हम इस बैक्टीरिया को यूज कर सकते हैं. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज आल्सो लर्न टू बी एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बायो रिस्टोरेशन एट द ताज. अगर ये दोनों ही चीजें हैं, इन दोनों को ही हम बैक्टीरिया से सही कर सकते हैं, तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी वैज्ञानिकों की मदद ले रहा है, क्या बायो रिस्टोरेशन ऑफ द ताजमहल हो सकता है. तो ये हिसाब किताब है. बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत नई टेक्निक्स आ रही है. तो बैक्टीरिया सिर्फ खतरनाक ही नहीं होते, अच्छे भी बैक्टीरियाज होते हैं. वायरस खतरनाक होते हैं. कोविड 19 मनुष्य वायरस है,
है ना, वो खतरनाक होते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।